सांसद धनंजय सिंह को मिली हाई कोर्ट से जमानत मगर सजा पर रोक नहीं। जी हां, नमस्कार दोस्तों, इंडिया बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इसी बीच बड़ी खबर यह सामने आई कि धनंजय सिंह को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है मगर वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि उनकी सजा पर रोक नहीं लगाया गया है। तो बड़ी खबर निकल के यही आ रही है कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह की जो जौनपुर MP मल्लिकौर द्वारा सजा सुनाई गई थी उस पर हाई कोर्ट ने वहाँ पर उनको जमानत दे दी है। आपको बता दें कि बीते 5 मार्च को जौनपुर के MPMLA कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को अपहरण एवं रंगदारी मामले में दोषी करार दिया गया था और 6 मार्च को उन्हें 7 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। लेकिन उसके बाद जौनपुर के MPMLA कोर्ट के इस फैसले को पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी और बीते जो है बुधवार और शुक्रवार को तमाम उनके वकीलों द्वारा और राज्य सरकार के वकीलों द्वारा तमाम हाई कोर्ट में 2-3 घंटे बाद बहस चली थी। उसके बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला जो है वो सुरक्षित रख दिया था और आज जो है हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है मगर जो है सजा पर रोक नहीं लगाया गया है पूर्व सांसद धनंजय सिंह के। तो इसीलिए वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि आपको बता दें कि 2 वर्ष से अधिक जो है सजा पाने वाला व्यक्ति वो चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल नहीं रहता है। उसी कड़ी में पूर्व सांसद धनंजय सिंह चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि धनंजय सिंह की पत्नी एवं जौनपुर की वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष श्री कला सिंह बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जो है चुनावी मैदान में है जौनपुर लोकसभा 73 से और वो लगातार अपनी प्रबल दावेदारी जो है पेश कर रही हैं। अब इसी बीच जो है उनके समर्थकों, उनके प्रशंसकों, उनके सुचिंतकों के लिए एक अच्छी खबर निकल के आई है कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जमानत मिल गई है, यानी कि अब वो चुनाव में अपने बुरा गरीब को आजमा सकते हैं। तो बड़ी खबर मैं आपको बता रहे हैं इसी बीच की, हाई कोर्ट ने धनंजय सिंह को बड़ी राहत दी है तथा उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि इसी बीच आज जो है पूर्व सांसद धनंजय सिंह को सुबह जौनपुर कारागार से बरेली सेंट्रल जेल ट्रांसफर किया गया था और इसी बीच जो है कोर्ट का फैसला आया कि उन्हें जमानत पे जो है रिहा किया जाए और उनकी सजा नहीं कम की गई है। इसी कारण वो चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन जो है वो अब मैदान में अपनी पत्नी के साथ चुनावी मैदान में पूरे दमखम के साथ एवं मजबूती के साथ चुनाव में अपनी पत्नी का समर्थन कर सकते हैं। सही और सटीक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब